नमस्कार, मैं प्रियताल, आप देख रही हैं नेक्स्ट नाइन न्यूज नेशन। अग्निपथ योजना को लेकर युवाओं का प्रदर्शन तीसरे दिन भी जारी है। बिहार में कई जगहों पर युवा सड़क पर उतर आए हैं। इस नई योजना का विरोध किया जा रहा है। इसके अलावा उत्तर प्रदेश में भी दूसरे दिन विरोध प्रदर्शन जारी रहा। अग्निपथ स्कीम के खिलाफ देश के कई राज्यों में हो रहे विरोध के बीच एक तरफ जहां विपक्ष इसकी वापसी की मांग कर रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ सरकार इसे रोजगार की दिशा में एक बड़ा अवसर मान रही है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि भर्ती प्रक्रिया कुछ ही दिनों में शुरू होने जा रही है। केंद्र सरकार की तरफ से घोषित की गई अग्निपथ योजना भारत के नौजवानों को देश की रक्षा व्यवस्था में से जुड़ने और देश की सेवा करने का एक सुनहरा अवसर देता है। सुनिए उन्होंने क्या कुछ कहा। केंद्र सरकार द्वारा घोषित की गई अग्निपथ योजना भारत के नौजवानों को देश की रक्षा व्यवस्था से जुड़ने और देश की सेवा करने का एक सुनहरा अवसर देता है। अग्निवीर हूं, यह उनकी ताजिंदगी के लिए पहचान बन जाती है। पिछले 2 साल से सेना में भर्ती की प्रक्रिया न होने के कारण बहुत से नौजवानों को सेना में भर्ती होने का अवसर नहीं मिला, यह सच्चाई है। इसलिए युवाओं के भविष्य को ध्यान में रखते हुए और उनके प्रति संवेदनशीलता दिखाते हुए प्रधानमंत्री जी के अनुमोदन पर सरकार ने फैसला किया है कि अग्निवीरों की भर्ती की आयु सीमा को इस बार बढ़ाकर 21 से 23 वर्ष कर दिया जाए। यह वन टाइम रिलैक्सेशन दिया गया है। इससे बहुत सारे नौजवानों को अग्निवीर बनने की पात्रता स्वतः मिल जाएगी। और मैं यह भी कहना चाहता हूं कि भर्ती प्रक्रिया कुछ ही दिनों में प्रारंभ होने जा रही है। मैं सभी नौजवानों से अपील करता हूं कि सेना में भर्ती होने की वह तैयारी करें और इसका पूरा लाभ उठाएं। इसके बाद वायुसेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल बीआर चौधरी ने बड़ा ऐलान किया है। उन्होंने कहा कि ये घोषणा करते हुए खुशी हो रही है कि इस साल भर्ती के लिए आयु सीमा को बढ़ाकर 23 साल कर दिया गया है। इससे युवाओं को लाभ होगा। उन्होंने कहा कि भारतीय वायुसेना के लिए भर्ती प्रक्रिया 24 जून से शुरू होगी। भारत सरकार ने अग्निपथ योजना की घोषणा की है, जिसके द्वारा नौजवान आर्म फोर्सेस में भर्ती हो सकते हैं। इस योजना में भर्ती की आयु 17.5 से 21 साल रखी गई है। मुझे ये बताते हुए खुशी है कि पहली भर्ती के लिए उम्र की अपर एज लिमिट 23 साल कर दी गई है। इस चेंज से नौजवानों को फायदा होगा। मुझे भरोसा है कि युवा बड़ी संख्या में भर्ती के लिए अप्लाई करेंगे। वायुसेना की भर्ती प्रक्रिया 24 जून से आरंभ होगी। जय हिंद। आपको बता दें कि अग्निपथ के खिलाफ प्रदर्शन की वजह से अब तक 200 से ज्यादा ट्रेनें बाधित हो चुकी हैं। 35 ट्रेनें कैंसिल की गई हैं, तो वहीं 13 को कम दूरी पर ही खत्म कर दिया गया है। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। देश और दुनिया की बाकी बड़ी खबर देखने के लिए जुड़े रहिए नेक्स्ट नाइन न्यूज मिशन के साथ।